गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। आज की ये जो वीडियो है, ये हमें मिस्टर नील ने कमेंट सेक्शन में आकर से पूछा था कि आप जो है वो मिल्किंग के टाइप्स के ऊपर, किस तरह से मिल्किंग करते हैं उसके ऊपर आप हमारे लिए एक वीडियो बनाइए। सो दैट्स व्हाई दिस वीडियो हैज बीन मेड। सो आज के जो टॉपिक है वो हम जानेंगे कि किस तरह टाइप के मिल्किंग होते हैं, मिल्किंग करने का तरीका होता है और उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा होता है। चार टाइप के मिल्किंग के तरीके होते हैं। एक सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट हैंड फुल हैंड मिल्किंग, दूसरा जो होता है वो आपका स्ट्रिपिंग होता है, तीसरा जो होता है वो आपका नकलिंग मेथड होता है, और चौथा जो होता है वो आपका मशीन मिल्किंग होता है। सबसे पहले हम आते हैं फुल हैंड मिल्किंग में। फुल हैंड मिल्किंग का तरीका क्या होता है? फुल हैंड मिल्किंग के लिए फॉर एग्जाम्पल ये टीट है और ये आपका थनेला है एनिमल का, उसे पूरे हाथों से इस तरह से पकड़ के एंड आफ्टर डैट नीचे की ओर आना, जिससे दूध जो है वो जल्दी जल्दी आपके नीचे से बाहर आती है। आप देख रहे हैं इस तरह से दूध बाहर आती है, जिसे हम बोलते हैं फुल हैंड मिल्किंग। दूसरा जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रिपिंग मेथड। स्ट्रिपिंग मेथड हमेशा सबसे लास्ट में यूज़ किया जाता है, जब पूरा का पूरा दूध निकल जाता है, लास्ट के थोड़े से दूध बच जाते हैं, क्योंकि उस जो थोड़े से बचे हुए दूध रहते हैं थन में, उसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से उस मिल्क उस पार्ट को उस पोर्शन को स्ट्रिपिंग बोलते हैं। स्ट्रिपिंग कैसे करते हैं मैं बताती हूँ आपको। आपका जो ये फोर हैंड है और दूसरा ये आपका फोर फिंगर है और दूसरा ये आपका थंब है, इससे इस तरह से पकड़ना है एंड यू हैव टू प्रेस इट, थोड़ा सा जोर दे के आपको प्रेस करना है। आप देख रहे हैं थोड़ा सा जोर दे के आपको इस तरह से प्रेस करना है। इस तरह से जब आप प्रेस कीजिएगा तो उसके अंदर के जितना भी फैट कंटेंट है वो साथ में बाहर आएगा। तीसरा आपका मेथड है नकलिंग मेथड। नकलिंग मेथड इज द वर्स्ट मेथड, मैं आपको बताऊंगी बाद में क्यों इस तरह से बोल रहे हैं। नकलिंग मेथड जो है ये थंब यूज करते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं थंब से एंड आफ्टर डैट वी हैव टू प्रेस इट। इसे वर्स्ट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इससे जो एनिमल का टीथ होता है वो बहुत जल्दी डैमेज होता है, उसके जो अंदर के टिश्यूज होते हैं वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, जिसके वजह से वो इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, उनके टीथ को इंजरी हो जाएगी तो फिर लेटर स्टेज में वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, फिर वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरी में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो दैट्स वाई यू शुड नेवर यूज़ दिस मेथड। ये मेथड कभी यूज़ नहीं प्रेफर किया जाता है, कभी यूज़ मत कीजिएगा, ना डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ना वेटनेरियंस। लास्ट मेथड है आपका मशीन मिल्किंग। मशीन मिल्किंग इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड आउट ऑफ ऑल दिस। मशीन मिल्किंग को बेस्ट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि मशीन मिल्किंग की वजह से जो है वो अच्छा सा मसाज हो जाता है। ठीक है, टीट्स का मसाज होता है। और दूसरी बात ये है कि वाइल मिल्किंग के फेज में भी कई बार ऐसा होता है, मिल्किंग करते वक्त भी कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टाइम मिल जाता है यहाँ पे जो नीचे छेद रहता है जिससे दूध बाहर निकल रहा होता है वहाँ से एंटर करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मशीन मिल्किंग प्रेफर की जाती है जनरली। बट अगर आपके पास मशीन मिल्किंग का ऑप्शन नहीं है तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर फुल हैंड मिल्किंग, क्योंकि फुल हैंड मिल्किंग इज़ वन ऑफ द सेफ एंड द बेस्ट वे। इससे आपके जो एनिमल के थन है उसको मसाज भी मिल जाता है और एट द सेम टाइम आपका जो फुल हैंड मिल्किंग की वजह से उनके टिश्यूज भी डैमेज नहीं होते हैं। विथ मतलब पहले स्टार्टिंग में आपको फुल हैंड मिल्किंग करना है और एंड्स विथ स्ट्रिपिंग, बट नेवर यूज नकलिंग मेथड। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बात भी ज़रूर शेयर करूंगी कि मेस्टाइटिस से प्रिवेंट होने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्योंकि ये बेस्ट तरीका मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस फार्म्स में मैं काम करती थी, जहाँ पे मैं जाकर के ट्रेनिंग लिया करती थी, सीखती थी, वहाँ पे जनरली ये मेथड्स यूज़ हुआ करते थे। वो बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म्स हुआ करते थे, अराउंड 1800-1400 एनिमल्स रहते थे, तो वहाँ पे ये मेथड बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाती थी, जिससे क्योंकि जब बड़ा हर्ड रहता है तो उनको बहुत ही सिक्योरिटी, उनको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया जाता है, वहाँ पे मिस्टैटिस का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप प्लीज़ कमेंट करके अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, यू वॉन्ट वीडियो ऑन समथिंग, यू वॉन्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन समथिंग, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इवन आप मेरे दूसरे वीडियोज भी देख सकते हैं, इफ यू वॉन्ट नीडेड समथिंग रिलेटेड टू द हर्ब्स यू कैन जस्ट चेक इट आउट। हैव अ ग्रेट डे। Thank you.